एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू मैसी बन हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही इजी ट्रिक से आप बना लोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा बातें ना करते हुए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग का काम सीखना है, कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ एक सेकेंड गाइज। हेलो, सॉरी गाइज, एक कस्टमर का फ़ोन आ गया था। तो चलिए बताती हूँ मैं कैसे आपको मैसी हाई बन बनाना है। सबसे पहले आपको हाई पोनी टेल करनी है। हाई पोनी टेल करने के लिए मैंने जो ट्रिक बताया है, आपको सिर को नीचे करना है, कॉम करना है, एंड आपको रबड़ बैंड को लगा लेना है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ओके, मेरे को हेयर भी कट करना है। मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ अपना हेयर कट का वीडियो शेयर करूँगी। अभी मानसून की वजह से बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं मौसम है ऐसा, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रहा है। वैसे बाल झड़ने का कांटेक्ट तो डायरेक्ट हमारे पेट से होता है, पेट में ज़्यादा तेल मसाला पानी कम पीने की वजह से भी झड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा दवाइयाँ ज़्यादा ले रही थी, वैक्सीन लेने के बाद से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो दवाइयों का सेवन भी ज़्यादा करने से बाल गिरने लग जाता है। तो मेरे भी अभी हेयर फॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे रबड़ बैंड आपको टाइटली एकदम लगा लेना है। रबड़ बैंड को लगाने के बाद से एकदम सेंटर में करके टाइटली इसको इस तरीके से कर दीजिए, और हल्का हल्का सा खींच लीजिए ऊपर पोनी को उठा के। थोड़ा हल्का हल्का सा वॉल्यूम क्रिएट करना है बालों में, तो इस तरीके से खींच लीजिए। और इसे खींचने से क्या होता है कि आपका, पहले ही मैंने बताया, स्कैल्प में जो पेन होता है वो नहीं होता है, कि बहुत ज़्यादा टाइट पोनी बनाने से स्कैल्प में पेन होने लग जाता है। तो इस तरीके से खींच लोगे तो आपको एक सुंदर सा पफ का लुक मिल जाएगा। दैन आपको पफ के साथ साथ और आपका स्कैल्प में जो पेन होता है वो भी नहीं होगा। उसके बाद से सिंपली अपने बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो आप ब्राइड बनाओगे ना, इस वाले ब्राइड में, इसको आपको एकदम टाइटली बनाना है, लूज नहीं रखना है। ओके, टाइटली बनाना है। और खींचना कैसे, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने बना लिया तो पूरा ब्राइड नहीं बनाना है एक साथ, आपको पहले इसको खींच लेना है, पतला पतला सेक्शन खींचना है। ओके, पतला पतला सेक्शन खींच लेने वालों का इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे खींच रही हूँ। ओके, फिर से साथ साथ में इसको ब्राइड बनाते जाना है। और साथ साथ में ही खींचते जाना है। ओके, पतले पतले सेक्शन लेके खींचना है। जैसे हम लोग ब्राइड को वॉल्यूम दिखाने के लिए खींचते, वैसे नहीं खींचना है, पतला पतला सेक्शन लेके कहीं से भी खींच दो, जब बस आपको मैसी सा लुक आना चाहिए आपके बन का, और आपका बन जो है वो थोड़ा सा बिग दिखना चाहिए छोटे हल्के बालों पे भी। तो आप देख सकते हो नीचे के बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हो चुके हैं, जिसको कट करना ज़रूरी है। तो कब कट करती हूँ, कट करते ही आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी वीडियो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने खींच लिया है। आप चाहो तो और भी खींच सकते हो इसमें, छोटे पतले पतले सेक्शन लेके इस तरीके से। ओके, तो ये पूरा हमने इस तरीके से खींच लिया है। अभी इसको क्या करेंगे, सिंपली आप इसको एक टिक टैक क्लिप की मदद से यहीं पे सेट करके छोड़ दो। फिर आपको सेकंड वाला जो ब्राइड चोटी बनाना है वो भी इसी तरीके से बना लेना है, सेम जैसे ये हमने बनाया है, इसी तरीके से सेम इधर का भी बना लेना है। तो इधर का बना के फिर बताती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर बनाते बनाते दिखाऊँगी तो। तो ये दोनों मैसी ब्राइड हमारा रेडी हो चुका है। अभी आपको सिंपली इनको एक दूसरे के अपोजिट साइड में ले जाके ऐसे करके और लपेट देना है पोनी के चारों तरफ, और दैट्स इट, आपको यूपिन से इसको सेट कर देना है। वाओ, और कितना सुंदर सा आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, मैसी बन। तो आपको कैसा लगा ये वाला ट्रिक और ये वाला बन हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की डिफरेंट टाइप्स की यूनिक सा बन हेयर स्टाइल्स लेके, बन और बहुत सारे हेयर स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, लेकर आते रहती हूँ, जो कि जिससे कि आपके पतले हल्के बालों में भी, या फिर जैसे भी हेयर है, हर हेयर टाइप के अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पर हेयर स्टाइल लेकर आती हूँ।
मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये हेयर स्टाइल, बन हेयर स्टाइल। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, और ट्रिक कैसा लगा ये मैसी बन हेयर स्टाइल बनाने का। एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है ये, बहुत ही पतले हल्के लंबे बाल आप इस तरीके से ब्राइड बनाओ, मैसी साइज से खींच खींच के हेयर्स को लेयर्स निकालो और इस तरीके से सिंपली लपेट के अपने बन पे, सॉरी इस तरीके से बन बना लो, तो बहुत छोटे पतले बालों में भी ये बड़ा सा मैशी बन बन के आपका रेडी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है। आप कहीं भी जा सकते हो मार्केट वगैरह शॉपिंग करने के लिए। ये ऑल टाइप ड्रेस पे सूट करता है, जैसे कि साड़ी, सूट, जींस टॉप, कोई भी ड्रेस पहना है आपने सब पे आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।